अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगण, जय जगन्नाथ। नवगठित 17वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि 17वीं विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मैं आशा करता हूं कि सभी निर्वाचित विधायक उड़ीसा के चौमुखी विकास से संबंधित मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि समाज का हर वर्ग राज्य की विकास की प्रक्रिया से समान रूप से जुड़े और हम सब की सम्मिलित सृजनात्मक ऊर्जा इस राज्य के उत्थान के प्रति समर्पित हो। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार उड़ीसा राज्य की संपूर्ण जनता के हित में को सर्वोपरि मानते हुए निष्पक्ष नीतियों पर चलेगी। मेरी सरकार शहीदों के त्याग और बलिदान को हृदय में आत्मसात करते हुए द्वेष, घृणा, अहंकार, प्रतिशोध से दूर रहने का प्रण लेकर कार्य करेगी। उड़ीसा अस्मिता को केंद्र में रखकर सजग, तत्पर, स्वच्छ, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य की प्रगति को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगार, किसानों को हर समय सहायता, महिलाओं का सशक्तिकरण, दलितों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों एवं सुरक्षा कवचों की रक्षा, भूमिहीनों को भूमि, खेतिहर मजदूरों की सहायता तथा दुर्भावना आधारित कानूनी उलझनों से दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं गरीबों को मुक्ति देना मेरी सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना। आज यहां उपस्थित माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, उड़ीसा के पूर्व उपवाचस्पति तथा पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ नायक, पूर्व मंत्री स्वर्गीय दामोदर राउत, स्वर्गीय डमरूधर उल्का, स्वर्गीय कमला दास, विधानसभा के सभी पूर्व सदस्यों स्वर्गीय बी सुज्ञान कुमारी देव, स्वर्गीय आदित्य माड़ी, पद्मश्री पुरस्कार विजेता स्वर्गीय कमला पुजारी, उड़ीसा पुलिस के पूर्व कांस्टेबल स्वर्गीय हिमांशु शेखर रथ के अमर आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे साथ योगदान करें। सदन दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। वर्ष 2024 का ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है जब उड़ीसा के लोगों ने जाति, प्रंत, क्षेत्र और लिंग से ऊपर उठकर मेरी सरकार को अगले 5 वर्षों तक राज्य की सेवा करने और राज्य को विकसित उड़ीसा की दिशा में ले जाने के लिए एक ऐतिहासिक जनादेश और स्पष्ट बहुमत दिया है। लोगों ने परिवर्तन, विकास, सुशासन और अस्मिता के लिए मतदान दिया है। उड़ीसा के गठन की शताब्दी के करीब पहुंचते हुए मेरी सरकार वर्ष 2036 तक एक विकसित उड़ीसा बनाने की आकांक्षा रखती है। एक ऐसा राज्य जहां किसान समृद्ध हो, युवाओं को रोजगार मिले और महिलाएं सशक्त हो, इसलिए प्रत्येक पहलू में कृषक, श्रमिक, जनजाति, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुर विकास के अवसरों के साथ मेरी सरकार का लक्ष्य है कि उड़ीसा औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, शिक्षा और कौशल विकास में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, पर्यटन को बढ़ावा देने, नीति सुधारों को लागू करने, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने और नवाचार तथा नए युग की तकनीक को बढ़ावा देने के मामले में पूर्वी भारत का पावर हाउस बने। मेरी सरकार की मुख्य प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप मेरी सरकार एक विकसित उड़ीसा के महत्व को पहचानती है जो अमृतकाल में राष्ट्र की प्रगति को देते हुए विकास का इंजन बन सकता है। हमारे आराध्य प्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद और लोगों के समर्थन से मेरी सरकार 24 घंटे काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
और हर उड़ीसा के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चूंकि मेरी सरकार उड़ीसा के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ थी, इसलिए उसने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक बुलाई और घोषणा पत्र में किए गए चार महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने का संकल्प लिया। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चार द्वारों को फिर से खोलना, श्री जगन्नाथ मंदिर तीर्थस्थल के विकास कार्यों की सुरक्षा और रख रखाव के लिए 500 करोड़ रुपए की एक कोष निधि का निर्माण करना, राज्य में समृद्ध कृषक नीति का कार्यान्वयन जिसके तहत खरीफ और रबी दोनों में धान की खरीद की दर 3,101 रुपये प्रति क्विंटल होगी और सुभद्रा योजना का कार्यान्वयन। प्रभु जगन्नाथ हर उड़ीसा की पहचान है। श्री जगन्नाथ संस्कृति का मूल विषय सार्वभौमिक भाईचारा है। मेरी सरकार श्री जगन्नाथ संस्कृति और उड़ीसा अस्मिता के महत्व को स्वीकारती है। हमारे शासन के एजेंडे में उड़ीसा का गौरव केंद्रीय मुद्दा है। मेरी सरकार के प्रति उड़ीसा के लोगों द्वारा व्यक्त विश्वास के अनुरूप उड़िया संस्कृति को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे। मेरी सरकार उड़ीसा के समृद्ध हथकरघा, हस्तशिल्प और व्यंजनों को प्रोत्साहन देगी ताकि इसे विश्वभर में प्रसिद्धि मिले। उड़ीसा का कृषि क्षेत्र, जो कि कुल आबादी के लगभग 60% लोगों को रोजगार देता है तथा GSDP में लगभग 20% का योगदान देता, कम उत्पादकता, अप्रत्याशित वर्षा पर निर्भरता, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान किसानों के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों के रूप में विद्यमान है। इससे किसानों की आय कम रहती है तथा समग्र क्षेत्र विकास में बाधा आती है। मेरी सरकार 5 वर्ष के व्यापक दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार समृद्ध कृषि नीति लागू करके उड़ीसा में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाएगी। इस नीति के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद की जाएगी और DBT के माध्यम से 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा। किसानों के आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए मेरी सरकार मूल्य श्रृंखलाओं, कृषि मशीनीकरण और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगी। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कृषि उत्पादकों का मूल्य बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, प्रसंस्करण इकाई और कुशल आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाएगी। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडियों को अन्न भंडार, किसानों के विश्राम गृह तथा गोदामों से उन्नत किया जाएगा एवं उन्हें ई नाम से जोड़ा जाएगा। मेरी सरकार महिला भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों और बृहद क्षेत्र बहुदेशीय समिति में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेगी। सूक्ष्म सिंचाई के लिए नवीकरण ऊर्जा समाधानों के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए PM किसुम योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा और बलांगीर, कालाहांडी, बड़गर और नुआपाड़ा में 1 वर्ष के अंदर 10 सिंचाई परियोजना की शुरुआत कर उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। मेरी सरकार श्री अन्न के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने, एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाना, श्री अन्न प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सब्सिडी प्रदान करना और सभी सरकारी कैंटीनों, स्कूलों और संस्थानों में श्री अन्न को शामिल करना कुछ ऐसे कदम है जो उड़ीसा को भारत में श्री अन्न केंद्र के रूप में स्थापित करने और कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उठाए जाने चाहिए। उड़ीसा की विशाल तटरेखा और मीठे पानी के संसाधनों के दृष्टिगत राज्य में मत्स्य पालन के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान है। बढ़ते बाजार के बावजूद चुनौतियां बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण मछली बीज तक सीमित पहुंच